जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। झारखंड आत्मा कर्मिक संघ या संगठन 3/2009-22 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। यह संगठन वह कर्मचारी जो कृषि विभाग, पशुपालन विभाग एवं सहकारिता विभाग में काम करते हैं, 6 महीना से इन लोगों का वेतन नहीं मिला हुआ और यह आंदोलन राज्य स्तरीय हो रहा है और बहुत जल्दी यह आंदोलन उग्र रूप लेने जा रहा है और इसका प्रदर्शन राजधानी में भी होने वाला है। यह सरकार को देखना है कि यह आंदोलन होने के पहले इनसे बात करके, इस आंदोलन की जो मेन बिंदु है उसमें बातचीत करके इसको रोकाया जाए, लेकिन कर्मचारी के पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। इस कर्मचारी संघ से परसुडी स्थित कृषि भवन में आज खास बातचीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय जो व्यवस्था है, बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल में, गरीब बच्चे, उसके बाद वहाँ मैट्रिक पास करते हैं, उसके बाद वह कंपटीशन का तैयारी करते हैं। कंपटीशन ऐसा है कि सरकारी नौकरी का बहुत आशा से वह परिवार उस बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और लाख बच्चे में कोई टैलेंटेड बच्चे होते हैं तो वह जॉब, वह एग्ज़ाम देकर वह जॉब लेते हैं, वह भी सरकारी। और उसके बाद क्या होता है कि 10-12 साल सरकार उनसे काम करवाती है और अचानक उनका पेमेंट रोक देती है और उन्हें कुछ ना बात करती है ना किसी से, अचानक नोटिस दिया जाता, अचानक सरकार ने उनका पेमेंट रोक देती और किसी से कोई बात नहीं होता। यह सिलसिला लगातार चलते रह रहा है झारखंड सरकार में। हमारे साथ जितने भी देख रहे हैं, झारखंड आत्मा कर्मिक संघ झारखंड जो या विभाग, जो कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और सहकारिता विभाग, वह विभाग है कि झारखंड के जितने भी रूरल एरिया है, अगर ये डिपार्टमेंट अगर नहीं रहेगा तो सरकार की जो भी कृषि की योजना है, पशुपालन की योजना है, वह धरातल में नहीं उतरेगा। अभी सरकार ने 2 दिन पहले यह घोषणा किया है कि हम बहुत जल्दी सूखा क्षेत्र घोषित करने वाले हैं और बहुत जल्दी किसान को बेनिफिट देने वाले हैं, लेकिन वह बेनिफिट देगा कौन? सरकार ने तो अनाउंसमेंट कर दिया, उनका डॉक्यूमेंट को कौन फिल करेगा, बैंक में कैसे पैसा पहुंचाएगा, एक एक जन को खोज खोज के पैसा कैसे पहुंचाएगा, यह सरकार को चिंता नहीं है। हमारे साथ कर्मिक वह हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल यहाँ नहीं पूरे राज्य भर में चल रहा है, वह भी हड़ताल अनिश्चितकालीन। 3 तारीख से हड़ताल चालू हुआ है, अभी तक सरकार ने इसमें कान में जू भी नहीं गया। अब हड़ताल कब तक जाएगा, कितना मांग है इन लोग का, आज हमारे साथ इन लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या क्या मांग है, विशेष मांग बताइए। इधर देखिए, सबसे पहला मांग हम लोग का जैसा कि ये है, जो कि पूरे झारखंड में लगभग 4 से 5 हज़ार पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं कृषि एवं संबद्ध विभाग में। उसके आलोक में हम लोग लगभग 650 आत्माकर्मी हैं पूरे राज्य में, जो कि कृषि व संबद्ध का कार्य हम लोग पूरे निष्ठा से करते आ रहे हैं और ज़मीनी धरातल पर उतार रहे हैं। पिछले 10 वर्ष से 11 वर्ष से पहले हमारी नियुक्ति हुई है और नियुक्ति की प्रक्रिया एग्ज़ाम के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा और रोस्टर के द्वारा हम लोग का क्लियरेंस हुआ है। 10-11 वर्ष से हम लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2018 में हम लोगों ने ये मांग उठाई थी कि भाई हम लोगों को वेतन दिया जाए नियमित रूप से। लेकिन वो भी हम सरकार नहीं सुनी। फिर हम लोगों ने अभी पिछले 6 महीना से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। कारण ये है कि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, बच्चे हैं, स्कूल का फीस है। अगर 6 महीने वेतन नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से हम लोग का विभाग का प्रेशर, हर दिन काम करो, हर दिन काम करो, इवन संडे को भी छुट्टी नहीं हम लोगों को, और हम लोगों ने काम किया भी। अब क्या है, हमारी मांगे मुख्य रूप से 2 ही चीज़ हैं, या तो हम लोगों को समायोजन किया जाए, दूसरी मांग हम लोग को वेतन जो है वो नियमित किया जाए। ये हमारी मुख्य दोनों मांगे हैं और ये मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हम लोग
धरना पर बैठे रहेंगे। अभी हम लोग जिला स्तर पर दे रहे हैं और हम लोग का जुटान फिर राज्य स्तर पर हो रहा है। सोमवार से हम लोग का परमिशन मिल गया है, सोमवार से हम लोग वहाँ बैठेंगे, आवास पर बैठेंगे, मसाल जुलूस निकालेंगे, बहुत सारा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इस बार हम लोग नहीं हटेंगे, जब तक लिखित रूप से हम लोग को आश्वासन नहीं मिल जाए सीएम साहब की तरफ से या विभाग के मंत्री की तरफ से या सचिव स्तर से। आप लोग आपके जो स्टेट के प्रतिनिधि हैं उन लोग क्या कृषि मंत्री से मिले एक दो बार? हाँ, प्रस्ताव रखे हुए, इससे कई बार मिल चुके हैं वो लोग। क्या बोले? कई बार उनके पास फाइल भी गई हुई है, कई बार उनके पास फाइल भी गई हुई है, वो विचार कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार तो हड़ताल में डंडा चलाती है आजकल, हो सकता है आप लोग राजभवन या मुख्यमंत्री कार्यालय घेरे तो आप लोग को डंडा भी मारा जाएगा। हम लोग इसके लिए तैयार, एकदम हम लोग तैयार हैं, डंडा खाने के लिए तैयार हैं, हो सकता है तो आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। अब हम लोग का पानी जो है सर से ऊपर चला गया। नाम कितना सुंदर, आत्मा कमीशन, आत्मा कर्मी, कार्मिक संघ, कार्मिक संघ। अगर सरकार वाटर कैनन का यूज करे, लाठी चलाए या सरकार कुछ भी करे, जब पेट का बात होता है, जब वह पापा से वह बच्चे बोलते होंगे पापा स्कूल का फीस देना है, वाइफ मांगती होगी हमें राशन लेना है, तो यह शर्मा के उनसे आग से नहीं मिलाते होंगे क्योंकि पेमेंट ही नहीं। इनका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है कि वह पेमेंट, छः महीना से अगर किसी को पेमेंट नहीं दिया जाए और काम कराया जाए, इन्होंने कहा कि हमें संडे को भी काम कराया जाता है, हिसाब कर सकते हैं कि सरकार अगर शोषण करे तो देखने वाला कौन है। यह आंदोलन कहाँ तक जाएगा, क्या इनकी मांग मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, या कृषि मंत्री इनके ऊपर ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, या तो समय बताएगा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।